हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वॉल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, 7 मार्च 2019 में। ठीक है, पहले हम उसके दूसरे क्वेश्चन जैसे रीजनिंग पोर्शन हम कर रहे थे। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है 29। ठीक है, जो 29 है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो है फर्स्ट ए आंसर, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, देखिए मोहम्मद इकबाल कौन थे, मोहम्मद इकबाल वो मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले जो सेपरेट जो हमारा था सेपरेट स्टेट मुस्लिम लीग, ठीक है, सेपरेट स्टेट मुस्लिम लीग, ठीक है, उसकी उन्होंने डिमांड की थी। मींस के पाकिस्तान की डिमांड करने वाले जो हमारे लीडर थे मुस्लिम लीडर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग की जो प्रेसिडेंसी है वो की है, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 33। ठीक है, जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 29, 33, 35, 37, 43, 45 और 50। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम जो अपने जो सारे ही क्वेश्चन हैं उनका उनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 33। नेक्स्ट जो 33, हाँ जी 33 क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, खिलाफत मूवमेंट थी जो स्टार्ट कब हुई थी। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, आंसर इज सी, 1920। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 1920 को जो हमारे खिलाफत मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी, जो इसके मेन लीडर्स थे वो कौन थे, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये जो लीडर्स थे वो इस खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 35, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, सॉरी पॉलिटी से नहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है ये, द भूदान जो मूवमेंट थी, भूदान मूवमेंट वो किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, उसे स्टार्ट करने वाले कौन थे, उसे स्टार्ट करने वाले थे, आंसर इज सी, विनोबा भावे। जो विनोबा भावे थे वो गांधी जी के डिसिपल थे। ठीक है, और उन्होंने ये जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी। क्या हुआ था कि उन्होंने ये मूवमेंट उन लोगों के लिए स्टार्ट की थी जो लैंडलेस थे, जो जिनके पास जमीन नहीं थी। इस मूवमेंट में क्या था, जो जिन जमींदारों के पास जमीन थी उन्होंने जो लैंडलेस पीपल से जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें वो जमीन थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी जमीन वो उन्हें दान कर दी ताकि वो भी अपना जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। क्या है कि कौन सी बॉडी है इंडिया में जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें जो बॉडीज दी है जैसे फाइनेंस कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन है और इलेक्शन कमीशन। द राइट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, ये 12 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास ये वाली बॉडी है। ठीक है, सारी स्टेट में नहीं है, जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे 12 स्टेट्स जो हैं उनके पास ये जो ह्यूमन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज आवर प्रियम्बल मीनिंग बिहेविंग एज इफ वी आर एज अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आंसर सी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि
एक भाईचारे की भावना है जो वो हम सब में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो होगा 45। चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी विद विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी इज कॉल्ड, सो इसका आंसर होगा ए डिफेक्शन। ठीक है, आंसर इज ए डिफेक्शन। क्या था, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी जब उस समय क्या हुआ था, 10th जो है हमारी 10th शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ऐड किया था। ठीक है, कब हुआ था, 52nd अमेंडमेंट हुई हमारी। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी की विप को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें जो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रही हैं, तो क्या होता था कि उन्हें जो मेंबरशिप है लोकसभा या राज्यसभा उससे भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि वो उसी पार्टी से चुनकर आए थे। ठीक है, और उसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके अंडर काम कर रहे थे। अगर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाते हैं या अपनी ही पार्टी को विप को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होता था कि उन्हें जो लोकसभा या राज्यसभा जिस भी जगह की उनकी मेंबरशिप थी वो भी छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि वो जो उनको सीट मिली होती है वो उनकी पार्टी की तरफ से मिली होती थी। ठीक है, ये था हमारा डिफेक्शन। ठीक है, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये थे हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, 6 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी का जो पोर्शन है उससे रिलेट करते थे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।